हमीरपुर जिला के अगधार क्षेत्र में निजी भूमि से चंदन के पेड़ काटने का मामला सामने आया है। मामले में एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ के आधार पर ये पता चला है कि चोरी में शामिल सभी लोग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले हैं। एसपी आकृति शर्मा ने बताया कि चंदन चोरी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और देर रात को ये आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान साथ लगते घरों में मौजूद लोगों को शोर होने का शक हुआ। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है, जहां उसे 5 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस को दी शिकायत में चंदन के पेड़ों के मालिक ने कहा कि उन्होंने अघार के भटूरा में अपने घर के नजदीक निजी भूमि पर चंदन के पेड़ लगाए थे। देर रात को यहां पर उन्हें शोर सुनाई दिया। जब बाहर जाकर देखा तो निजी भूमि से कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। चंदन के मालिक और उसके परिवार ने ग्रामीणों के सहयोग से इन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी कुछ ही दूरी पर भागे थे कि स्थानीय लोगों और पुलिस के प्रयासों से एक व्यक्ति को धर कर लिया गया। इस आरोपी की पहचान बतूनी सिंह निवासी जिला पन्ना मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि चंदन चोरी के इस गिरोह में 6 से 7 लोग शामिल थे। प्रारंभिक पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ये लोग जाहू में कुछ दिन पहले पहुंचे थे। जाहू में ये लोग 3 दिन से एक झुग्गी में रहते थे। यहाँ पर पुलिस ने दबिश दी है, लेकिन आरोपी यहाँ से फरार हो गए थे। इन झुग्गियों में महिलाएं ही रह रही है, जबकि पुरुष पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गए। चोरी के इस मामले में काटे गए पेड़ों की कीमत का आंकलन भी नहीं किया जा रहा। एसपी हमीरपुर आकृति शर्मा ने कहा कि पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया है और क्या कुछ कहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। इसमें एक व्यक्ति है जिन्होंने ये शिकायत दी थी कि ये जो है गांव भटूरड़ा अघार के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं, और इनका ये कहना था कि इन्होंने अपने जो है जमीन पर कुछ चंदन के पेड़ लगाए थे और इनको ऐसा रात के समय प्रतीत हुआ कि कोई व्यक्ति जो है कुछ लोग मिलकर इनके पेड़ों को काट रहे हैं। और इन्होंने ये सूचना ये भी दी थी कि इन्होंने एक व्यक्ति को जो है अभी पकड़ा हुआ है, तो मौका पर तुरंत पुलिस पहुंची और वहां पर जो है एक व्यक्ति जिसे पकड़ा गया था उसका नाम बातूनी सिंह है और ये मध्य प्रदेश के जिला पन्ना के रहने वाले हैं। और जब इसकी फर्दर पूछताछ की गई तो उसमें पता चला कि ये 7-8 लोग जो हैं ये मिलकर आए थे इस चंदन की पेड़ को काटने के लिए और चोरी करने के लिए, और ये लोग जो है पिछले 3 दिन से जो है जाहू में झुग्गी लगाकर रह रहे थे। और पुलिस ने जो है जाहू पुलिस ने इन जो बाकी लोग हैं उनको जब वहां पर पहुंचे तो पाया कि वो लोग सब झुग्गी लेकर भाग चुके थे, अपना जो भी उनका सामान था उसे लेकर भाग चुके थे और वहाँ केवल जो है लेडीज ही रह गई थी। तो इस पर हमने जो है FIR दर्ज किया है थाना सदर हमीरपुर में चोरी के तहत, और इसमें जो बाकी लोग हैं इनके पीछे जो है पुलिस हमीरपुर पुलिस जो है पूरे प्रयास कर रही है। CCTVs को खंगाला जा रहा है और इन्होंने जो वाहन प्रयोग किया है उसे भी देखा जा रहा है कि ये कौन सा वाहन है। और इसके अलावा हम लोग जो है मध्य प्रदेश पुलिस के साथ भी संपर्क में है और जो पन्ना जिला से ये रहने वाले हैं वहाँ के जो पुलिस है उनके साथ भी हम संपर्क बनाए हुए हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी बाकी आरोपियों को भी पकड़ सकें।